वासिक साहब, आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकज में तो कोई से नहीं होगी ना, वहां पर तो आप लोगों से कोई मुशावरत नहीं की जाएगी केयर टेकर सेटअप के लिए। इसका मतलब है कि जो भी केयर टेकर सेटअप आएगा उस पर आप एतराज करेंगे या आप धांधली का एक बयानिया बनाएंगे मरकज में? नहीं, जो भी इंतखाबात के लिए धांधली का बयानिया, अगर मैं अगेन आपसे ये कहता हूँ, ये सारी बातें जो एंड पे सारी बातें किस पे कंक्लूड होती है, गरीदा सारी बातें कंक्लूड होती है वोट की पर्ची, वोटर की पर्ची क्या कहती है? पर्ची आपके हक में निकल रही है, इसका मतलब है कि हम जब कहते हैं कि धांधली करते हैं तो लोग हमें मानते हैं, हम जब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है लोग मानते हैं, हम ये कहते हैं नलायकों का टोला है ये सब बेमान है पाकिस्तान को बेचने के लिए आए, हम लोग मानते हैं, लोग हमारी बात मान रहे हैं, आप माने या ना माने। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इशू है ये अपना बंदा लगाए ना लगाए, यकीनन हम इसका कानूनी रास्ता तो निकालेंगे जो पंजाब में फैसला किया गया। और उसके लिए नहीं, लेकिन कानूनी रास्ते के लिए 3-4 दिन तो हो गए हैं ना, अभी तक आप लोग अदालत गए नहीं है, आप लोगों की क्या डिले किस चीज का है? कुछ भी नहीं है, फाइनल डिस्कशन होनी है अभी कल या परसों, मोस्ट प्रोबेबली कल होनी है, कल क्योंकि एहतजाज भी है हमारे और हम यकीनन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल जा